हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं राफ्ट सर्वाइवल, तो RAFT राफ्ट। तो जिन्होंने भी डाउनलोड नहीं किया पहले डाउनलोड कर लो अगर खेलने में इंटरेस्टेड हो तो। वैसे आपको गेम प्ले देख के मज़ा आ जाने वाला है क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटेड वाला गेम है। एक्साइटेड बोल रहा हूँ, एक्साइटेड नहीं बोला कि एक तरफा गेम बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे खेला था, पहले तो बिल्कुल स्टार्ट कर लेनी है, पूरा गेम एकदम नए से खेलना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो एनिमेशन वगैरह आती है दिखाया जाता है स्टोरी मोड टाइप से, वैसे मैं पूरा हटा दिया हूँ, डायरेक्ट है अपना। अभी कर लेते हैं नया, बिल्कुल ही नया। तो यहाँ पर सार्क भाई साहब का शक्ल दिखाते हुए, और आपको कुछ इस तरफ से अपने राफ्ट में फेंक दिया जाता है, यानी एक ओशन के ऊपर बोल सकते हैं टूटी फूटी नाव। वैसे नाव तो है नहीं, बट जो भी है अभी इसी के अंदर अपने को सर्वाइव करनी है। तो सबसे पहले भैया इसको हुकअप फेंकना है, इसको फेंकना है और अपने पास आ जाएगा वो खींच के, तो इसे वुडन वुडन मिलेगी। और अपने को नॉर्मल से जो सर्वाइव करना होता है वैसे ही सर्वाइव करनी है, जैसे कि वुड कलेक्ट करो, जितने भी रिसोर्सेज वो कलेक्ट करो, और अपने को ऐसे सर्वाइव करनी है। बाद में क्या क्या होगा हमको भी नहीं पता क्योंकि हम पहली बार खेल रहे हैं ये गेम, तो वो तो देखते रहेंगे। अभी जो भी मतलब कि बोल रहा है यार, मैं फटाफट से करते जा रहा हूँ, वैसे मेरे को पता है, लेकिन फिर भी इनका फॉलो तो करना पड़ेगा यार, तभी तो एडवांटेज मिलेगी। ये तो कई भैया सब खुद को करना पड़ेगी। ओके, तो मेरे को वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे काम करने हैं फिलहाल, तो पहले सेंसिटिविटी बढ़ा लेते हैं। एंड आपको यहाँ पर 60 FPS तक देखने को मिल जाता है। म्यूज़िक भी मैंने ऑफ कर लिया क्योंकि म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है अपने को, ओनली इफेक्ट से काम चल जाता है। मैं हर गेम में ऐसे ही करता रहता हूँ। और सेंसिटिविटी बढ़ा लेते हैं यार, नीचे वाली सेंसिटिविटी, लेकिन मेरे को दिख नहीं रही होती। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे इसको। और गाइस ये बस 150 MB के आसपास ही होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अंदर में कोई डाउनलोड भी नहीं करनी है आपको, ईजी है और खेलने में भी ईजी है। तो मैं फटाफट से स्टार्टिंग का जो काम झाम होता है कर लेता हूँ। पहले अपने को ये हुक पकड़ना है और फेंक देना है ताकि कर सके काम। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लेता हूँ और कंटिन्यू करते हैं सर्वाइवल मोड में। इसका दो मोड आते हैं, एक में शायद ख़रीदना पड़ता है, पता नहीं मुझे उसके बारे में। फ़िलहाल कुछ इस प्रकार सा है, और अपने को भी काफ़ी सारा चीज़ चाहिए। फ़िलहाल तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिखा रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। ओके, तो वाली वाटर पर करना है, जितना भी सब यार आपको खुद ही करनी पड़ेगी, जैसे कि वाटर है खुद करो, और खाना बनाना है खुद करो, मछली वछली पकड़ना है, तो नेट्स वगैरह है इसके लिए, जाल वगैरह है। आगे वाला जो है तो नेट्स है, तो आपको मैं दिखाता हूँ धीरे से सब चीज़। ओके, पहले तो ये जो है भाई, यानी कि बारिश के जो होगा ना वो कलेक्ट करेगा ये, जैसे अपना मतलब कि इसके अंदर बॉटल बनाएंगे और बॉटल में कलेक्ट होते जाएगा वो। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, वैसे आप अगर एक आध घंटा खेलोगे ना इसको पूरा पूरा समझ आ जाने वाले। सो मैं कर लेता हूँ क्रिएट। ओके, और टाइम लगेगा, फिलहाल मैं टेक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को सिखा रहा है अभी। ओके, मैंने कर लिया, और पीना भी है। ऊपर में देखोगे इस चार प्रकार के आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। एक हार्ट का सिंबल है जो आपकी HP दिखाती है, दूसरी बॉटल जिसमें आपको वाटर लेवल दिखाएगी, एंड तीसरी फूड है जिसमें फूड दिखाएगी यार। तो यार वाटर वाटर तो सब मैंने दिखा दिया, अभी पी लेते हैं इसको। ओके, वैसे थंडेट है फिर भी ज़बरदस्ती पिए जा रहा हूँ, कट करना यार। देखो इसमें आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये बार बार पॉपअप होके ऐसा होता है कि भाई खरीद लो खरीद लो, और एक आएगा एडवर्टाइज, तो ये दोनों से आपको बच कर रहना है, कट करते रहना है। और आपको अगर जल्दी से आपको अच्छा अच्छा सा मतलब कि गेम प्ले करनी है यार, तो एडवर्टाइज देखना, हर चीज़ करने के लिए एडवर्टाइज लगेगा या फिर पैसा लगेगा, तो यार एडवर्टाइज अच्छा ऑप्शन है, कर लो। और ये ज़्यादा ग्राफिक नहीं पाएगी दे पाएगी ये गेम। और देखो यार बॉक्स वगैरह मैं कलेक्ट करना चालू कर दूँ, बस आपको एम करनी है, फेंकनी है, बाकी खुद खुद कलेक्ट करके लाते जाएगा आपको। देखो अच्छी खासी वुड हो गई है, और ये है जंक, इसको जंक ही बोलते हैं, इसके अंदर थोड़े बहुत सामान मिल जाते हैं, और वैसे जंक ही मिलता है और कुछ कुछ रहता है उसमें, बाकी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। आगे मतलब आगे जब गेम खेलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। फिलहाल मैं वुड वगैरह कलेक्ट करूँ ताकि अपने को थोड़ा सा अपना राफ्ट को अच्छे से करना है। तो गाइस खेलते खेलते एक और क्विस्ट आया है जिसमें अपने को स्टोरेज बॉक्स लगानी है, जो कि लेफ्ट में पॉपअप हो रही है, तो दबाते हैं इसको एंड राफ्ट में चलते हैं, और यहाँ पर चेस्ट लगा देते हैं। ओके, तो बस आपको ये नॉर्मल्स करना है, और यहाँ पर प्लेस कर देनी है। ग्रीन सिंबल आया, मतलब ग्रीन, अगर ग्रीन कलर का दिखेगा तो आप प्लेस कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसे ही फेंक गया रहा हूँ, आपको बाद में बताऊँगा मतलब पूरा अपना अच्छी वाली। मैंने अभी तो नॉर्मल से भी जस्ट स्टार्ट किया, तो अपनी जब अच्छे खासे मैं खेलूँगा आधे घंटे तब का आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। तो ये थोड़ी क्लॉथ वगैरह मिल गई मेरे को। ओके, फूड भी है, और पता नहीं इसमें एक तो चीज़ बार बार बोलते रहता है, वो शायद इफेक्ट है क्या मुझे भी नहीं पता, जो भी खेलते हो जरा कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो गाइस अब भाई ये देखो शार्क आ गया। अबे 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 जबड़ा छोड़ छोड़। अब भाई इसको मैं बचाऊँ कैसे, लगता है तोड़ ही देगा ये, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ हथियार नहीं है जिससे मैं इसको मार पाऊँ। तो भाई भागे कभी नहीं, इसके लिए स्पेयर चाहिए, वुडन स्पेयर होता है या फिर बो चाहिए जैसे हम मार सकते हैं, बट ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट किए हैं। तो रोप वगैरह चाहिए होता है जो आपको मैं आगे वीडियो में दिखा दूंगा। भाई ये तोड़ ही लेगा लग रहा है ये। अबे निकल जा साले बड़े दांत वाले प्राणी, निकल जा, छोड़ दे उसको। भाई पूरा राफ्ट डालने लग गया, खा के निकल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहला बार था, ऐसे ही अटैक बार बार इसका मल्टीपल बार होते रहता है, तो आपको बचाना है। फोग्रे में जाओगे तो गाइस यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एक्स है और अपने पास यहाँ पर हुक भी है एंड सब चीज़ें यार, स्पेयर वगैरह भी है, नीचे साइड बो है, कपड़े हैं, सारा का सारा है, सी4 का सब चीज़ इसमें है, जो आपको मतलब आगे गेम प्लेस वगैरह में दिखेगा। फिलहाल तो अभी हम जस्ट स्टार्ट किए तो उतना खास पता नहीं, जो भी है प्लेस। अभी कैंप फायर लगानी है तो ये लगा देते हैं, इससे हम लोग क्या है ना, जो मछली पकड़ेंगे ना उसको डालना है एंड एक दो वुडन लॉग लगेगी उसमें डालेंगे, फिर पका सकते हैं। ओके मैं कर लेता हूँ, इसको डालते हैं, क्रिएट करना है और यहाँ पर स्पीड ऐसे मत करना क्योंकि उसमें प्रॉपर 2-3 मिनट क्या लगने देना, नहीं तो आपका कॉइन जाएगा या फिर पैसा जाएगा। ओके क्राफ्ट हो रही है एंड बैग भी हमने क्राफ्ट कर लिया है, अब अपने पास प्रॉपर जगह भी है रखने के लिए इन्वेंट्री में। तो गाइस यहाँ पर एक और क्विज निकल के आया जहाँ पर अपने को एक प्लांट लगानी होती है, और कोकोनट का वैसे पेड़ होता है वो जो आपको सीड मिलती है ना उससे। तो पहले मैं कर लेता, क्विज टम गया और यहाँ पर शो करते हैं ये प्लांट वाले में एंड ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लेस करना होता है, कहीं भी रैंडम प्लेस कर दो, बाद में अपन इसको जमाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉपर अभी मेरा अपना राफ्ट कैसा है। ओके ये प्लेस कर लिया, इसके अंदर अपने को सीड डालनी होती है। ओके बस हाथ पे क्लिक करो और हो जाता है ये। ओके इसको करना है, क्रिएट करते हैं इसको पहले, हैंड स्पीड वापस से नहीं करना है वो, अपने को उसको प्रॉपर टाइम लगने दो। 5-6 मिनट हो जाती है और आपके पास एक्स होगी तो उसे तोड़ के आप कोकोनट एंड वुड लॉग एंड थैच वगैरह जो है सब चीज़ आराम से कर सकते हो, निकाल सकते हो उससे। फ़िलहाल अभी मेरे को एक आइलैंड पर जाना है, उसी लिए सामान अभी फेंकना, उसके बाद जाना है खाली हाथ। तो पहले आइलैंड पे चलते हैं। तो गाइस दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए आपको बस ये मैप या फिर जो स्टार्ट जर्नी लिखा है उसमें क्लिक करना है, फिर आप जा सकते हो। बस यहाँ पर मार्क कर दो, कुछ कुछ की चीज़ की नीडेड है लेकिन फिलहाल हमको लेनी नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए, अगर पावर यूज़ नहीं करी तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने पावर यूज़ कर लिया तुरंत पहुँच गए। जहाँ पर लाइटनिंग का सिंबल आएगा ना उसको दबा देना है, फिर आ जाएगा और देखा एडवर्टाइज चालू हो गया। तो गाइस जैसे कि हमारा लियोस में टैलेंट होता है, इस पर भी टैलेंट होता है, बस ऐसे क्लिक क्लिक करते जाना है फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा आयरन स्टमक को मैं बढ़ा लेता हूँ, अच्छा वीडियो देखनी पड़ेगी, मैं इसको पूरा बाद में कर लूँगा, पूरा सबका एक एक लेवल कम से कम कर ही सकता हूँ, उसके लिए काफ़ी एडवर्टाइज देखना पड़ेगी। क्योंकि आपने लेवल 6 हो रखा है, 10 लेवल पर आई थिंक कुछ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक रूम है, इसको ओपन करने के लिए अपने को एक कार्ड चाहिए होता है, डोर ऑफ दी बंकर, तो बंकर में जाने के लिए की चाहिए, फिर कार्ड चाहिए, जो भी बोले उसको, वो आपको साइड में बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल अभी इसको मैं कट करता हूँ और खोजते हैं अभी। तो गाइस इस बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है अपने को। ओके ओपन कर लिए, थोड़ी लोडिंग होगी। ओके कुछ नहीं इसमें, इस वाले बॉक्स में तो खा लिया, तो दूसरा वाला बॉक्स देखते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको वुड मिल जाएगी, आयरन वायरन सारा चीज़ें एंड ओके ये वाली देखते हैं इसमें क्या मिलता है अपने को। ओके यहाँ पर थोड़ी खाने पीने का सामान है, कलेक्ट ऑल कर लो, चाहते हो कि करके अपन खींच खींच के डाल सकते हैं अपने इन्वेंट्री में। ओके एक और चाहिए था यार, कहाँ गया वो, पता नहीं मिल नहीं रहा है, शायद हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ओपन किया था ना, तो मेरे को शायद ही मिलेगा, शायद ये कितना टाइम में रिस्पॉन्स मिलता था मेरे को पता नहीं, कहीं पर आपको देख के ज़रूर बता दूंगा बाद में। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट रूम चलते हैं, ये वाली बॉक्स भी खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है, शायद लास्ट टाइम खोला था क्या मैंने। ओके ओपन हो जा। ओके यहाँ पर अपने को कार्ड मिल चुकी है, देख लो लोकेशन इस कॉर्नर पर मिल जाती है अपने को, और हम डायरेक्ट चलते हैं वहीं पर। तो गाइस यहाँ पर बंकर के डोर पे मैं आ चुका हूँ, इसको ओपन करते हैं एंड इस कार्ड को उसमें डाल देना बस खींच के। ओके ओपन करते हैं एंड अब जा सकते हैं अंदर में। वैसे यहाँ पर जब भी आओ तो इन्वेंट्री खाली करके आया करो, नहीं तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें। ओके यार इसके सर पे मार देना, ख़त्म हो जाएगा ये, इसे कुछ सामान मिलती है उठा लेते हैं। ओके एक फूड मिल गई अपने को, तो खाने का टेंशन तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अभी देख रहे हो पानी एंड मेरा खाना का लेवल काफ़ी कम है एंड जलन भी होने लग गई इसको। अभी देखते हैं यार अंदर में क्या क्या अपने को सामान मिलने वाली है। खैर मैंने थोड़ी बहुत ही बस इस गेम को खेला हुआ तो थोड़ा तो मेरे को पता ही है एंड कुछ कुछ अपने दोस्त को भी बोले थे तो वो लोग मेरे को बताए थे। ओके ओपन कर लेते हैं इसको,
देखते हैं क्या हो मिलता है इससे। ओके अच्छी खासी है, बो वगैरह मिल गई एंड स्पीयर मिल गई, वुडन स्पीयर। और पर अगर आपको एक्स्ट्रा सामान चाहिए तो यार आप वीडियो देख लेना फिर से एडवर्टाइज, यानी कि तो उससे आपकी और एक्स्ट्रा सामान मिल सकती है। खैर मैं तो जिसकी ज़रूरत होती है उसके मैं देख भी लेता हूँ। ओके एंड इसमें क्या मिलता है इसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ओके ये अपने को मेडी बॉक्स मिला हुआ है जिससे अपनी की हेल्थ बढ़ जाती है, वैसे हेल्थ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, खाना पीना बस फुल रखो बाकी अपने आप से बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। मैंने RNX बना रखा है, अब बाहर में भी अपन कुछ कर पाएंगे। अभी साइड में चलते हैं, किसका नाम दिखा रहा है, इस बंदे का दिखा रहा है, ये बंदा तो नहीं ऐसा बोट है इस गेम का, मतलब करेक्टर रोल प्ले कर रहा है समझो। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर दो केबिन है, यहाँ पर चलते हैं क्या मिलता है। ओके इसको क्लिक कर लेते हैं और इसमें क्या मिलता है इसको भी देखते हैं। इसमें से ओ भाई साहब ये क्या है, आयरन प्लेट है क्या, मतलब नाम तो दिखा नहीं रहा है। ये मेरे पास जो मैंने बना रखा था पहले वो निकाल देते हैं एंड वो बाकी सब चीज़ उसको गियर अपने आप से वैसे हो जाता है। काफ़ी सही लग रहा है अपना करेक्टर एंड इसकी डिफेंस विफेंस भी काफ़ी सही है। देखो वाटर लेवल 30 एंड फूड भी 30 है और इसका डिफेंस विफेंस भी देख सकते हो अच्छी खासी है शायद। चलो कट करते हैं एंड आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम वैसे वोटो भी फार्म कर रहे हैं, ऐसा कट कट कर कर मार सकते हो, यहाँ पर बस आपको एक्स को दबानी है। तो ओके दबा फिर से कर लेते हैं, 5-6 बार मारोगे तो फिर टूट जाती है। एंड देखो यहाँ पर अच्छी खासी मिल गई, आपको एक दो बना के लानी पड़ेगी RNX जो है एक्स को अपनी। फिर से यहाँ पर भी कट कर लेते हैं, अब मेरे पास आई थिंक जगह नहीं है शायद। ओके जगह नहीं है, जितना जगह उतना पहले अपने कलेक्ट कर लेंगे और वापस से हस्टेंट जाने के लिए वही जो मैप का लोकेशन है उसको दबा देना है फिर हो जाएगा। और इसमें अगर आपको एक से अलग लेना है या फिर अपग्रेड करना है तो यार उसमें वीडियो देखनी पड़ती है 3-3, तो खैर उसको भी मैं देख के बाद में बढ़ा लूँगा। अभी चलते हैं अपने लोकेशन पे, यानी कि अपने होम पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने राफ्ट में आ चुका हूँ, यानी कि अपने बेस आ चुका हूँ और सारा का सारा सामान डाल देते हैं जो भी अपने को मिला था। देखो बुलेट तो मिल गई, वहाँ पर गन भी पड़ी हुई थी एक स्केलेटन के पास, तो उसको मैं बाद में जा कर ले आऊँगा जैसे मेरे पास एक डोर चेस्ट बन जाएगी वैसे ही। और यहाँ पर कुछ स्वीट्स पड़ी हुई हैं जो अपने को काम आएगी। सारा चीज़ सामान अभी रख देते हैं और वापस से थोड़ी बना लेते हैं। और ऑलराइट गाइस, तो कुछ इस प्रकार से अपना बेस का लुक आ रहा है, यानी कि कुछ घंटों खेलने के बाद। वैसे यहाँ पर मैं कॉर्नर कॉर्नर पे कॉर्नर वाली जो बेसल अपने वजह से उसमें बेसल होती है, उसमें कुछ और होती है तो वो अपनी लगा लूँगा मैं बाद में। एंड एक बेसल भी, मतलब कि एक बेसल बोल रहा हूँ, मतलब एक और सेल इसको बढ़ानी है आगे जैसे इस प्रकार का है। और ये जो नेट्स वगैरह हैं सब आगे कर देंगे। सार्क भी पड़ा है, सार्क ऐसे मरेगा नहीं नॉर्मल में तो वो। और मेरे पास अभी जितना सारा सामान था वो सब आ चुका है एंड फिर से अपना वो नॉर्मल चीज़ें मैं करना चालू कर दिया हूँ। डोर वगैरह सब लगा रखा है एंड सेल भी मैं थोड़ी अपग्रेड कर लिया हूँ मैंने। अब मेरा हेल्थ अभी 193 है, 194 जो भी है हो चुका है। मतलब जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे आपका हेल्थ भी इंक्रीज़ होगा एंड आपको टाइम टाइम पे आपका जो नॉर्मली टैलेंट है वो भी कंप्लीट करते रहना ताकि आपको कम कॉस्ट पड़े यार। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें भी बढ़ा रखी है एंड फिलहाल मेरे को वर्कशॉप बनानी है क्योंकि मेरे पास नहीं है, इसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ और बना सकते हैं। तो जैसे जैसे टास्क हो, मतलब कि आपका लेवल होते जाएगा वैसे आप सीखते भी जाओगे। एंड एक और आइलैंड का आ चुका है ऑप्शन, वहाँ पर जाना है और सर्वाइव अगर करना है। खैर आगे की गेम लेके तो बाद में होते रहिएगा इस। अगर गाइस आपको ये गेम अच्छी लगी तो डाउनलोड करो यार, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये गेम प्ले। और आप एक बार जरूर से ट्राई करो ये गेम, वैसे काफ़ी अच्छा है, टाइम पास हो जाती है मस्त से इसमें। एंड पता नहीं मुझे भी इसमें प्लेयर से प्लेयर होगा या नहीं इस गेम में, आई थिंक होना चाहिए क्योंकि सारा चीज़ बना रखा है इन लोगों ने, तो एक बार बनता तो यार। इसके बाद शायद हम लोग आइलैंड वगैरह पर रहेंगे, वहाँ पर होगा शायद टीम अप वगैरह हो सकता है, अपने टीम के साथ वगैरह खेल सकते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन देखेंगे आगे। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।